हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करेंगे इस वीडियो में दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। और आज स्टॉक में जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 850 रुपये प्राइस पहुंच गई और आज का जो बाउंस पे आ रहा है 4.76% का, आज ही आज में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है लोगों का। और लेकिन स्टॉक ने आज अहम लेवल को तोड़ा भी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दीपक फर्टिलाइजर को लेकर के। ये देखिए, दीपक फर्टिलाइजर टू डिमर्ज इट्स माइनिंग केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर बिजनेस। मतलब ये है कि दीपक फर्टिलाइजर का जो दो बिजनेस है, माइनिंग केमिकल्स का है और फर्टिलाइजर का, इन दोनों को सेपरेट करने की बात चल रही है और लोगों ने कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया है कि अभी ये दोनों को बिजनेसों को अलग करने वाले हैं। इनकी मीटिंग थी 14 दिसंबर की, इनकी मीटिंग थी, 15 तारीख को इन्होंने अनाउंस कर दिया था। कल शाम को ये न्यूज आई थी और उसके बाद आज स्टॉक बूम। तो अब टेक्निकल्स पे कैसा स्टॉक दिखता है और टेक्निकल्स पे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकल्स पे हम लोगों ने आइडिया लगाया था कि इस लेवल तक स्टॉक आ सकता है, लेकिन 700 का लेवल नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी न्यूज आ गई थी और उसके बाद स्टॉक रेंज बाउंड हो गया था और 100 लेवल्स को ब्रेक किया था, ये 150 लेवल्स को ब्रेक किया था। उसके बाद आइडिया लगा रहे थे कि कम से कम 730 के आसपास स्टॉक आता हुआ मिलेगा, लेकिन नहीं आया। और यहाँ से एक अच्छी न्यूज आई थी कि जो आरती इंडस्ट्रीज है उसके साथ इनका टाइप हुआ था और उसके बाद से स्टॉक वहीं पर रेंज बाउंड हो गया और इन्हीं लेवल को सपोर्ट करता रहा और 100 डेज पे बार बार ब्रेक करने के लिए ट्राई मार रहा था लेकिन ब्रेक कर नहीं पा रहा था। और आज फाइनली इस न्यूज के साथ में स्टॉक लगता है कि आज ब्रेक कर जाएगा। और जो ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, जो 837 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको ब्रेक तो कर गया है लेकिन सस्टेन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आज मार्केट काफी वीक है। तो शाम तक देखना होगा कि स्टॉक इन लेवलों को सस्टेन करके रखता नहीं करता। अगर सस्टेन करके रखता है तो स्टॉक के लिए काफी बढ़िया बात होने वाली है। जैसे अभी स्टॉक 848 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को 837 के ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट अगर देता है तो स्टॉक के लिए काफी अच्छा है। और सस्टेन करता है तो हम डेफिनेटली यहाँ से 950 तक के टारगेट्स के लिए, पहले टारगेट्स के लिए तो डेफिनेटली जा सकते हैं। और उसके बाद अपकमिंग टारगेट्स अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम जो हमारा ट्रेंड लाइन का टारगेट बना हुआ है वो बना हुआ है 1120 रुपए का या 1150 रुपए के आसपास का, उन लेवलों को भी दिखा सकता है। तो नजर बना के रखेंगे स्टॉक पर, अगर आज की क्लोजिंग अच्छी आती है तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है। और आगे के टारगेट्स जो है और स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, तो स्टॉप लॉस इसका 800 रुपये, 800 अगर कोई स्विंग ट्रेड में जाना चाहता है तो स्टॉप लॉस 815 रुपये के आसपास रख सकता है और टारगेट्स के लिए 900 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ से लिए जा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।